हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ आलू की एक चटपटा रेसिपी, मेथी दम आलू। लेकिन ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में 1 व्हिसल तक थोड़ा बॉईल कर लिया है। कुकर को मीडियम फ्लेम में रखिए और 1 ही व्हिसल तक इसे लगाइए। उबाले हुए आलू को कढ़ाई में तेल गरम करके गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी की खासियत यही है कि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा मीठा रहता है, तो वो खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 200 ग्राम दही। फिर 200 ग्राम दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, दही को बहुत ही अच्छे से फेंटना है ताकि उसमें कोई लंप ना रहे। तो फेंटे हुए दही में मैंने मिलाया है अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट दही के साथ अच्छे से मिक्स करके फिर उस पर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। बैटर करीब करीब रेडी है, सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से फेंट लेना है। फिर उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करनी है, क्योंकि शुगर अगर ना ऐड करें तो दही का खट्टापन वो रेसिपी में बराबर टेस्ट लाने नहीं देगा। आलू को फ्राई कर लेने के बाद जो तेल बचा था, तो उसी तेल में मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है और तड़का लगाने के लिए लिया है मैंने 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को कढ़ाई में डालने के बाद जब उससे अच्छी खुशबू आने लगे तो मैंने 5 से 6 करी पत्ता ऐड किया है उसमें। अब ये करी पत्ता का जो यूज़ है वो ऑप्शनल है इस डिश के लिए, लेकिन करी पत्ता का जो फ्रेश आरोमा है वो बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है, वो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको ना पसंद है तो आप ना भी यूज़ कर सकते। उसके बाद मैंने ऐड किया है जीरा सीड्स और मेथी सीड्स, तो इसको अच्छे से भून लेना है लेकिन जलाना नहीं है इसे। ये मेथी जो है बिल्कुल लगाना ही है इसमें, क्योंकि मेथी के बिना ये डिश अधूरा है। अभी इस पर मैंने ऐड किया है क्रश किए हुए कसूरी मेथी। अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ख्याल रखनी है वो ये है कि ये जल ना जाए। दही का जो बैटर मैंने रेडी करके रखा था, तो अभी मैंने वो बैटर इसमें ऐड किया है, तो उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके कुछ देर के लिए रखना है, उसके बाद जब उसमें उबाल आ जाए तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। अब ये सॉल्ट और शुगर का जो टेस्ट है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बस इसका जो टेस्ट है थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का रहता है, तो शुगर और सॉल्ट का जो अमाउंट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो अभी इस पर मैंने ऐड किया है फ्राई किए हुए आलू। तो फ्राई किए हुए आलू को ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए इसको ढक के पकाना है। 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। अभी 10 मिनट के बाद इसको ढक्कन निकाल के, तो इसमें ऐसी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। तो उसके बाद कसूरी मेथी और थोड़ी सी हाथ में क्रश करके इस पर ऐड कर दी। अभी हमारी जो डिश है मेथी दम आलू, ये बिल्कुल रेडी है। बस थोड़ा घी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके आप इसे परोस सकते हैं। तो इसको आप पराठे के साथ या रोटी के साथ, अपने पसंदीदा किसी भी आइटम के साथ इसको खा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।